بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته I am Muhammad Idris physics teacher from Uswa College Chakwal most welcome to first year physics class dear students subscribe my youtube channel for listening the latest video your physics class Now we come to today's lesson. Today's our lesson is about position vectors. Our lesson is about position vectors. Now we discuss about the position vector and what is a position vector. Position vector. This is our topic today, and its definition. Now we define our. That is a position vector, a vector which describes the location of a particle with respect to the origin. So that is called a position vector. A vector which describes location of a particle with respect to the origin, that is called a position vector. In such a vector. जो कि क्या करेगी किसी भी पार्टिकल्स की किसी भी बॉडी की क्या करे उसकी पोजीशन बता दे उसकी पोजीशन को लोकेट कर दे विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन तो दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर जैसा कि आप देख रहे होते हैं आप प्रैक्टिकल लाइफ में आप रेफरेंस देते हैं जी कि उस वक्त कॉलेज में जाना है तो आप कहते हैं जी चौक से लेफ्ट हो जाए जी तो आपने क्या कर एक रेफरेंस दे दिया इसी तरीके से हम यहाँ पे जो रेफरेंस दे रहे हैं ओरिजिन का रेफरेंस दे रहे हैं ओरिजिन का रेफरेंस देते हैं और वहां से आगे हम क्या करते हैं पॉइंट्स बताते हैं जैसा कि हमने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में हमने यूज किया था कि पी पॉइंट हमने लिया था ए पॉइंट बी पॉइंट ए पॉइंट जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट था अलॉन्ग एक्स एक्सिस था तो हमने कहा ए यूनिट along x axis and then b in along y axis वहां हमने एक पॉइंट इंडिकेट किया था कहते हैं ऑन द सेम बेसिस कहते हैं यहां पर एक वेक्टर यूज होता है जो कि क्या करता है डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन यानी ओरिजिन को मरकज मानकर ओरिजिन को लेके हम क्या करेंगे किसी पार्टिकल की किसी बॉडी की पोजीशन को लोकेट करेंगे दैट वेक्टर यूज्ड फॉर द डिस्क्राइब द लोकेशन Or indicating the location of a particle with respect to the origin, it is called a position vector. So, dear students, position vector जो है, it is represented by or denoted by R vector. इसको हम क्या करते हैं? R vector से represent करते हैं. Position vector को हम R vector से represent करते हैं, and it is represented by a straight line. यानी जब भी हम क्या करते हैं इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं और एरो हेड जो है एरो हेड इस तरह ड्रा करते हैं कि टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन इन पोजीशन वेक्टर को ड्रा करने वाले के हवाले से बता रहे हैं कि पोजीशन वेक्टर को ड्रा आपने इस तरह से करना है कि उसका उसकी जो टेल है वो ओरिजिन के साथ कोइंसाइड हो और उसका जो हेड है इट्स हेड्स कोइंसाइड विद द पॉइंट At which the particle is located, और इसकी यानी के head जो है वो उस point के साथ coincide करे जहां पर particle क्या होता है located होता है यानी ये आप पास position vector को draw करने का तरीका बता दिया है कि position vector को हम किससे represent करते हैं R vector से represent करते हैं जी clear होगी बात फिर कहते हैं कि जैसा कि आपने component of a vector पढ़ा था कि एक vector में क्या क्या चीजें होती हैं एक tail होती है फिर उसमें क्या होती है स्ट्रेट लाइन जो है उसकी मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है फिर हमने कहा था एक दूसरे सिरे पे या एक एंड पे हम क्या करते हैं एरो हेड क्या करते हैं पॉइंट करते हैं जो कि इसकी डायरेक्शन को इंडिकेट करता है कहते हैं वही आप पास जो है उन्हीं रूल्स को मद्देनजर रखते हुए कहते हैं जो पोजिशन वैक्टर हम ड्रा करते हैं वी ड्रा पोजिशन वैक्टर इन सच अ वे दैट टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन इन ओरिजिन के साथ क्या होती है इसकी टेल कोइंसाइड करती है और उसका हेड क्या होता है उस पार्टिकल को क्या करते हैं उसके साथ कंसाइड करते हैं जहां पर वो पार्टिकल लोकेट होते हैं
क्लियर होगी बाजी, इससे हम क्या कहते हैं, पोजिशन वैक्टर कहते हैं। अब आप ये देख रहे हैं पोजिशन वैक्टर दैट इज इन टू डायमेंशन। तो अभी हमने जो बात की है कि पोजिशन वैक्टर को डिस्क्राइब जो करने की, तो ये आप देख रहे हैं इस डायग्राम में डी स्टूडेंट्स देखें तो ये आप आर का एक पोजिशन वैक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। ये डायग्राम में देखें तो आर यहाँ का एक पोजिशन वैक्टर रिप्रेजेंट किया गया है। ये देखें आप पास, ये आप और ओरिजिन यहाँ पर, ये देखें जैसे कि मैंने बताया था कि पोजिशन वैक्टर इट डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए बॉडी आर पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये आप सपोज पॉइंट पी ले लें, यहाँ पे इस जगह पे पॉइंट पी पर वो पार्टिकल क्या है लोकेट कर रहा है, ए उसका क्या है एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी ए आपका एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी यहाँ आप देखें तो ए यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस, यानी इतने पॉइंट हमने क्या किए हैं ओरिजिन से एक्स एक्सिस पे गए हैं। क्लियर होगी बात। फिर क्या है बी आपका बी कोऑर्डिनेट, ये सेकंड कोऑर्डिनेट है, दैट इज कोऑर्डिनेट दैट इज कॉल्ड वाई कोऑर्डिनेट। अब इसका मतलब क्या होगा, यानी b यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस, यानी इतने यूनिट क्या है, इतने नंबर क्या है आपने वहां से, यानी ओरिजिन से आप चले थे, इस a यूनिट अलॉन्ग x एक्सिस थे और वहीं से आगे क्या होगा b यूनिट अलॉन्ग y एक्सिस। तो ये आप कहां पे पहुंच जाएंगे, उस पार्टिकल की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। कहां पे पहुंचेंगे, पार्टिकल की लोकेशन पर पहुंच जाएंगे। जैसा कि बता रहा हूं कि पोजिशन वेक्टर इट डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ ए बॉडी, पोजिशन वेक्टर डिस्क्राइब द लोकेशन ऑफ ए बॉडी विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, देन इट इज कॉल्ड अ पोजिशन वेक्टर। तो ये आप डी स्टूडेंट्स यहाँ पे ये जो पोजिशन वेक्टर है, अब हम जो इसको डिस्क्राइब करें दैट इज अ पोजिशन वेक्टर इन टू डायमेंशन। हम आप पोजिशन वेक्टर को टू डायमेंशन में डिस्क्राइब करें, जैसे आप बताया था टू डायमेंशन, वन डायमेंशन भी होता है अलॉन्ग वन एक्सिस, आप पैदल चलते हैं तो दैट इज वन डायमेंशन। जब आप किसी बॉडी की जो मोशन है टू डायमेंशनल हो, जैसे आप फुटबॉल को हिट लगाते हैं, फुटबॉल उठता हुआ आपके पॉइंट जहां से आप हिट लगाइए और दूसरी जगह पे गिर जाता है, तो ये जो फुटबॉल को आपने किक लगाइए ये एज ए प्रोजेक्टाइल बन जाता है, प्रोजेक्टाइल मोशन बन जाती है। इंशाल्लाह प्रोजेक्टाइल मोशन को आप जो है थर्ड यूनिट में चैप्टर नंबर 3 में आप पढ़ेंगे। इसकी मोशन क्या होती है, टू डायमेंशनल होती है, यानी अलग एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब हम इसे टू डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं, x axis is one dimension, y axis is second dimension, so it is in two dimension. So इसी वजह यहाँ पे कोऑर्डिनेट भी क्या है, दो है, a और b के यहाँ पर दो कोऑर्डिनेट है। अब हमारे पास क्या है कि जैसे आप बताया कि इट इज रिप्रेजेंटेड बाई r वेक्टर, ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, और जो पोजिशन वैक्टर है ये आप op लाइन से क्या की गई रिप्रेजेंट किया गया है। पोजिशन वैक्टर किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, यहाँ पर op लाइन से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और यहाँ हमारे पास क्या है, इसमें आप देखें कि जैसा मैंने डिस्क्राइब किया है कि जो पोजीशन वेक्टर है उसकी टेल क्या करती है, टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन, जो मैं पिछली स्लाइड बयान करके आया हूँ, वी ड्रा अ पोजीशन वेक्टर इन सच अ वे दैट इट टेल कोइंसाइड विद द ओरिजिन। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं इस डायग्राम में, यहाँ पर ये ओरिजिन के साथ ये क्या कर रही है, इसकी टेल कोइंसाइड कर रही है, और हेड, दिस इज इट्स हेड, एरो हेड, it is it coincide with the particle where particle is located, it has coincide with the location of particle where that particle or body is located. So p point it is a location of particle, it has a coordinate a and y, so we will travel from origin to a unit along x axis and b unit along y axis, so this point p is the location of particle, so position vector it is a vector which describe the location of a particle, location of a body, location of any object with respect to its origin. Clear hogi baat ji dear students? Ab hum dekh rahe hain, jaisa ki aapko bataya hai ki isme particle ko locate karne plane ke andar kehta hai ki vector jo humne kya karna hai, vector is drawn from origin, jaise bataya origin o se draw kiya gaya at point p par, कहते हैं इसकी प्रोजेक्शन आप देख रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ पोजीशन वेक्टर जो है वो एक्स वाई प्लेन में, ये आप देख रहे हैं एक्स वाई प्लेन एक है इसकी, एक्स और वाई प्लेन, इसमें इसकी क्या है प्रोजेक्शन हो रही है, ये आप पास ओपी लाइन क्या कर रही है पोजीशन वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसमें देखें जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए और बी एच कोऑर्डिनेट इसमें क्या है, ये आप देखें ए और बी कोऑर्डिनेट्स हैं, तो जो कि यूज फॉर रिस्पेक्टिवली एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। तो आप बताया है
कि x ए कोऑर्डिनेट जो है वो x एक्सिस के लिए है और b कोऑर्डिनेट जो है वो y एक्सिस के लिए यूज होता है। तो ये क्या है आपके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं, विच आर द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर पोजीशन वेक्टर आज कहते हैं। ये आप ए और बी ये रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स क्यों, ये देखें यहाँ पे एंगल ये कितना बन रहा है इसमें ट्राइंगल में 90 डिग्री के एंगल बन रहा है जी। तो सो हमने लास्ट लेसन में इसको डिटेल से डिस्कस किया था द कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर व्हिच आर एट राइट एंगल टू ईच अदर दैट आर कॉल्ड रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ दैट वेक्टर। अब क्योंकि पोजीशन वेक्टर है लिहाजा इसके कंपोनेंट ए और बी ये दोनों आपस में क्या है राइट एंगल पे है, सो ये आपस क्या कहलाएंगे रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कहलाएंगे जी। सो डियर स्टूडेंट्स हमें पता चला गया कि पोजीशन वेक्टर जो होता है ये क्या करता है किसी भी पार्टिकल किसी बॉडी किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को लोकेट करने के लिए यूज होता है दैट विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन इट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर। इसको हम आर वेक्टर से जैसे डायग्राम आर वेक्टर से डोनेट करते हैं स्टेट कोइंसाइड विद द ओरिजिन एंड हेड कोइंसाइड विद द पार्टिकल वेयर इट इज लोकेटेड। सो यह पास है और यह पास क्या है टू डायमेंशन में हमने इसे किया है जी। तो जैसे कि आप क्लास में बैठे होते हैं तो कोई कहता है जी इंडिकेट द लोकेशन ऑफ सैयद ज़ैन अब्बास, तो आप देखते हैं हम कहते हैं फॉर एग्जांपल कि आपके पास अलाम एक्स एक्सिस क्या है जी वो थर्ड नंबर सीट पे बैठा है जी, ये देखें जी तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या हो गया थ्री हो गया जी। अलॉन्ग एक्स एक्सिस फ्रॉम ओरिजिन टू अलॉन्ग एक्स एक्सिस थ्री डोमेन है और फिर कहते हैं अलॉन्ग वाई एक्सिस सपोज इट इज अ फोर नंबर जी। तो ये हमारे पास क्या है थ्री थ्री आपके पास क्या है थ्री दर्जे आपने क्या करना है ओरिजिन से अलॉन्ग एक्स एक्सिस जाना है और वहीं से आपने आगे फोर दर्जे की तरफ जाना है आपने अलॉन्ग वाई एक्सिस जाना है। तो ये पी पॉइंट पर क्या कर देगा सैयद ज़ैन अब्बास की सीट की लोकेशन बता देगा विद रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन। तो ये जो वेक्टर फॉर दिस पर्पस का यूज करेंगे दैट इज कॉल्ड अ पोजीशन वेक्टर, जैसा कि आपको बता दिया है इसको हमने बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब कर दिया है ये टू डायमेंशन में एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस और यहाँ आपके पास क्या है ए यूनिट अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड बी यूनिट अलॉन्ग वाई एक्सिस। यहाँ पास एक्स वाई प्लेन में ए और बी जो है ये कोऑर्डिनेट यूज हो रहे हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के लिए दैट इज द पोजीशन वेक्टर के लिए। ए आप पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस के लिए बी अलॉन्ग वाई एक्सिस के लिए है और ये क्या आप पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी हैं और पोजीशन वेक्टर से। तो डियर स्टूडेंट्स If you have any question, then question please. Now, dear students, we discuss about the position vector. Now we want to find out the magnitude of a vector. Now we want to find out the magnitude of a position vector. So, how we can find out the magnitude of a position vector? So, dear students, for that purpose, there is a diagram on the right side of your slide. यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ इसमें देखें consider a राइट एंगल ट्राई एंगल ओ पी एम जी। तो ये हमारे पास एक जो है राइट एंगल ट्राई एंगल मौजूद है ये आप देखें ओ दैट इज पी एंड दिस इज एम। ये हमारे पास राइट एंगल ट्राई एंगल है जी, क्यों है जी इसमें एक एंगल क्या है 90 डिग्री का है सो इस वजह से इट इज कॉल्ड अ राइट एंगल्ड ट्राई एंगल इट्स नेम इज ओ पी एम। सो ये आपका राइट एंगल ट्राई एंगल ओ पी एम है जी। हम क्या चाहते हैं इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। तो अगर मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है देन वी विल अप्लाई पाइथागोरियन थ्योरम। तो इस पे क्या कर दें पाइथागोरियन थ्योरम जो है अप्लाई कर दें इस राइट एंगल ट्राई एंगल ओ पी एम पर इस राइट एंगल ट्राई एंगल पर क्या कर दें पाइथागोरियन थ्योरम जो है वो अप्लाई कर दें अगर आप क्या चाहते हैं पोजिशन वैक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना चाहते हैं। इस डायग्राम को देखें जो हमारे पास पोजिशन वैक्टर है तो पोजीशन वेक्टर क्या होता है यानी पोजीशन वेक्टर के वाले से यानी आपने पोजीशन वेक्टर लिखना है इस डायग्राम को देख के तो डेफिनेटली इसका ये टू डायमेंशन में तो ये आपका ए आई दैट इज ए आई यूनिट वेक्टर मीन कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर ए अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड बी जे का मतलब क्या है कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर बी दैट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस। तो हमने इस तरीके से क्या कर लिया ये पोजीशन वेक्टर को लिख लिया है इस डायग्राम को देखते हैं ये देखें ए आपका क्या है एक्स कंपोनेंट है पोजीशन वेक्टर का सो ये आपका ए आई हो गया जी और दूसरा आपके पास क्या है बी जो है इट इज अ वाई कंपोनेंट ऑफ बी इट इज अलॉन्ग वाई एक्सिस सो इट इज रिप्रेजेंटेड विद जे यूनिट वेक्टर। तो
तो जे यूनिट वेक्टर बताया था आ वेक्टर विच इज यूज फॉर द जी गिवन ऑफ टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ ए गिवन वेक्टर जी। तो ये ए आई क्या है, पोजिशन वैक्टर का एक्स कम्पोनेंट है अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, और बी आपके पास क्या है, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ बी कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वाई कंपोनेंट ऑफ पोजिशन वेक्टर आर विच इज लोकेटेड इन वाई एक्सिस, ये आप बात देख रहे हैं। तो ये हमने इस डायग्राम को देख के इसका पोजिशन वेक्टर लिख लिया जी। अब हमने क्या करना है, मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है, तो पाइथागोरियन थ्योरम जो है हमने क्या कर देना अप्लाई करना है। तो पाइथागोरियन थ्योरम क्या है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो ये हमने क्या कर दिया, पाइथागोरियन थ्योरम। और मसला फिसागोरस जो आप उर्दू में अक्सर बेशतर आप पढ़ते रहे, मसला फिसागोरस जो है पाइथागोरियन थ्योरम हमने क्या कर दिया अप्लाई कर दिया, दैट इज वेक्टर का मुरब्बा इज इक्वल टू कायदा का मुरब्बा जमा मूल का मुरब्बा। आप इस डायग्राम में देखें तो ओपी क्या है, आपके पास हाइपोटेन्यूज है, ओपी लाइन जो है, दिस ओपी लाइन इट इज रिप्रेजेंटेड रिप्रेजेंटिंग हाइपोटेन्यूज ऑफ दिस ट्रायंगल। सो ओपी स्क्वायर इज इक्वल टू एंड देन बेस, तो ओएम इज रिप्रेजेंटिंग द बेस, सो ओएम स्क्वायर अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। एंड पीएम इट इज द परपेंडिकुलर, तो सो पीएम इट इज परपेंडिकुलर ऑफ दिस ट्रायंगल, सो पीएम स्क्वायर। तो ओपी यहां आपके पास जो है ये आर वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मैग्नीट्यूड जो है सिंपल आर से लिखा जाता है, कोई भी वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड सिंपल वेक्टर से लिखे विदाउट एरो हेड। तो आर क्या है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड है किसका, पोजीशन वेक्टर का। और ए आपके पास क्या है, ए स्क्वायर, यहाँ पर ए आपके पास मैग्नीट्यूड है किसका, एक्स कंपोनेंट का। और बी आपके पास क्या है, मैग्नीट्यूड है वाई कंपोनेंट का। तो आपके पास क्या हो गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी पाइथागोरियन थ्योरम के तहत हमने इसमें ये उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यूज के आधार पर कोट कर दी। अब हम चाहते हैं पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर सिंपल आए, जिसका स्केयर ना आए, तो हम क्या कर लेंगे, इस इक्वेशन दोनों तरफ स्केयर रूट ले लेंगे, और लेफ्ट साइड पे स्केयर एंड स्केयर रूट आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं, इधर क्या रह जाएगा, आर रह जाएगा, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ पोजीशन वेक्टर आर। एंड ए स्केयर यानी एक्स कंपोनेंट का स्केयर प्लस बी स्केयर मीन वाई कंपोनेंट का स्केयर एंड देन स्केयर रूट। तो ये हमारे पास इस तरीके से हमने मैग्नीट्यूड ऑफ ए पोजीशन वेक्टर क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया। ये हमने जो डायग्राम है ये हमारे मेजर किरदार है जी, इसको आपने भूलना नहीं है। इसमें ये एक्स वाई प्लेन में इसका एक्स कंपोनेंट पोजीशन वेक्टर का, वाई कंपोनेंट, और इसमें देखें तो हेड टू टेल यहाँ पे जो है ये अप्लाई हो रहा है, अगर आप देखें तो ये आपका हेड टू टेल है, ये आप पास देखें तो ये दो कंपोनेंट है ये मिलके जमा होकर हेड टू टेल अप्लाई होकर ये देखें पोजीशन वेक्टर आर बना रहा है यहाँ पर। तो क्योंकि हमने तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, उसमें हमने ये राइट एंगल ट्राई एंगल कंसिडर की और यहाँ पे पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई किया। तो पहले हमने इसका पोजीशन वेक्टर लिखा, पाइथागोरियन थ्योरम अप्लाई किया और उसके बाद इसमें वैल्यू इंसर्ट की, और आफ्टर कैलकुलेशन हमने क्या कर लिए, इस पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है। तो डी स्टूडेंट्स अगर इसमें कोई क्वेश्चन हो देन क्वेश्चन की। नाउ डी स्टूडेंट्स पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन, पहले हम पोजीशन वेक्टर को डिस्कस कर रहे थे इन टू डायमेंशन में, फिर हमने इसका मैग्नीट्यूड डिस्कस किया, अब हम पोजीशन वेक्टर इन थ्री डायमेंशन में डिस्कस कर रहे हैं। तो डिस्ट्रेक्ट पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट पी जो है, यहाँ पर आप देखें कि पहले सिर्फ दो पॉइंट थे, अब आप पास के एक पॉइंट सी और भी आ गए, क्यों आ गए, कि अब आप पास ये स्पेस मैच, ये थ्री डायमेंशन है, थ्री डायमेंशन हमेशा क्या होती है, ये स्पेस में यूज होता है। तो दैट इज थ्री डायमेंशन, अगर आप ये देखें ये आपके पास क्या अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, इसके ये ए कंपोनेंट यूज हुआ है, ये आपके पास अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ये देखें इसका बी कंपोनेंट यूज हुआ है, और दिस इज अलॉन्ग जेड एक्सिस, इसके लिए हमने यहाँ पर सी कंपोनेंट का क्या कर लिया, यूज कर लिया जी, ये आपके पास पोजीशन वेक्टर आर है। तो अब हमने इसका पोजीशन वेक्टर आर लिखना है फॉर थ्री डायमेंशन, तो फॉर थ्री डायमेंशन हमें लिखना है इसका पोजीशन वेक्टर आर। तो आर वेक्टर इसी तरीके से ए आई यूनिट वेक्टर, इट्स मीन दैट A is the x component of position vector R along x-axis. I unit vector is representing that A component is along x-axis. And then B is the y component of position vector R, and J unit vector is representing that this is along y-axis. And C is the z component of a position vector R, and K unit vector is representing that it is along
जेड एक्सिस में। तो सो अब आप इसका मैग्नीट्यूड, ये हमने पोजीशन वेक्टर लिखा, ए आई यूनिट वेक्टर प्लस बी जे यूनिट वेक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर। तो याद रखें जो यूनिट वेक्टर है ये आप पास किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। जिस कंपोनेंट के साथ आई लिखा होगा तो शॉर्ट शॉर्ट का मतलब है कि ये अलग एक्स एक्सिस है। जिस कंपोनेंट के साथ जे लिखा होगा, जे यूनिट वेक्टर, तो इसका मतलब ये हिस्सा क्या है वेक्टर का ये कंपोनेंट अलग वाई एक्सिस है। और जहाँ के यूनिट वेक्टर लिखा होगा इसका मतलब क्या होगा, इट इज अलॉन्ग जेड एक्सिस। अब मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने हैं तो कहते हैं उसी फार्मूले पे जो हमने टू डायमेंशन में फाइंड आउट किए हैं, ऑन द सेम बेसिस क्या है, फर्स्ट कंपोनेंट स्केयर प्लस सेकंड कंपोनेंट स्केयर प्लस थर्ड कंपोनेंट स्केयर एंड देन स्केयर रूट। तो सो इस तरीके से हमने क्या किया है, पोजिशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लिया है, सेम लाइक इन द टू डायमेंशन। यहाँ सिर्फ क्या है, एक डायमेंशन का क्या हो गया, इजाफा हो गया, बाकी सारा तरीकाकार जो प्रोसेस है वो सेम है। Now, dear students, we come to a numerical example. We will solve the numerical example. Example 2.1. Example is that the position of two aeroplane. The position of two aeroplane at any instant are represented by two points. That is the A point. This is the A point, dear students. यहाँ पर कहते हैं aeroplane A की position है. और इसमें कोऑर्डिनेट ये जो पोजीशन वेक्टर ये थ्री डायमेंशन में, ये याद रखते हैं आप, क्योंकि इसमें तीन आपके पास हैं, यहाँ पर इसमें तीन कोऑर्डिनेट है, टू थ्री एंड फोर। तो तीन कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, ये इट इज अलॉन्ग, इट इज इन द स्पेस थ्री डायमेंशनल। पहला कोऑर्डिनेट हमेशा अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग एक्स एक्सिस टू है, अलॉन्ग वाई एक्सिस इट इज थ्री एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस इट इज फोर। कहते हैं दो क्वेश्चन स्टेटमेंट क्या है हमारे पास, के पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन एट ए एंड बी, ए और बी के आप पास दो पॉइंट है और ये क्या कर रहे हैं, इनकी पोजीशन ऑफ एरोप्लेन बता रहे हैं। ये ए एरोप्लेन, ए पॉइंट पे जो एरोप्लेन है उसकी पोजीशन क्या है, टू थ्री फोर है, और ये बी पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो एरोप्लेन पोजिशन क्या है, फाइव सिक्स एंड सेवन, थ्री पॉइंट एट। ये आप पास ए और बी पॉइंट इस डायग्राम में हमें क्या बता रहे हैं कि दो एरोप्लेन की पोजीशन बता रहे हैं। तो आपके पास करना क्या है, हमारे पास जो क्वेश्चन क्या है, यानी हमने जो फाइंड आउट किया व्हाट आर देयर पोजीशन वेक्टर, एक तो हमने इसका पोजीशन वेक्टर इनका बताना है दोनों एरोप्लेन का, एंड सेकंड आप पास क्या करना है, कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन द टू एरोप्लेन, ये ए और बी एरोप्लेन दरमियान ये कितना डिस्टेंस है, ये ए बी डिस्टेंस है डेफिनेटली हम पता चाह रहे हैं, ये हमने फाइंड आउट करना है। क्लियर होगी बात जी, यानी दो एरोप्लेन है, देयर आर टू एरोप्लेन। क्वेश्चन स्टेटमेंट एक बार फिर सुन ले, क्योंकि क्वेश्चन स्टेटमेंट समझना जरूरी है, समझ जाएगी तो फिर पता चलेगा आगे आपने करना क्या है। देयर आर टू एरोप्लेन एंड पोजीशन ऑफ टू एरोप्लेन एट एनी इंस्टेंट आर रिप्रेजेंटेड बाय टू पॉइंट, यानी ए और बी पॉइंट पे इनकी पोजिशन है, ए पॉइंट पे जो एरोप्लेन उसकी पोजिशन टू थ्री फोर है और बी पॉइंट पे जो एरोप्लेन पोजिशन फाइव सिक्स सेवन है। From an origin O, and then हमने क्या करना क्या है, what are their position vector? इनका position vector find out करें, A और B aeroplane जो है in position पे, इनका position vector हमने find out करना है, and second क्या करना है, distance between these two aeroplanes, इन दो aeroplanes दरमियान distance कितना है, ये हमने find out करना है। तो dear students यकीन है आपको, उम्मीद है आपको question statement clear होगी होगी, क्योंकि numerical solve करने का तरीका ये है, क्वेश्चन स्टेटमेंट को गौर से पढ़ते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, उसमें क्या क्या गिवन डाटा है वो गौर करने के बाद फिर क्या फाइंड आउट करना है इसकी लिस्ट बनाते हैं, एंड देन वी हैव टू सॉल्व क्वेश्चन, एंड दिस इज द प्रोसीजर हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नाउ इसमें हम देख रहे हैं कि पोजिशन वैक्टर जो है, जो पोजिशन वैक्टर का फार्मूला भी हमने पढ़ा है टॉपिक में, दैट इज द ए आई यूनिट वैक्टर प्लस बी जे यूनिट वैक्टर प्लस सी के यूनिट वेक्टर जी, यानी पोजीशन वेक्टर कंपोनेंट हमने कहा ए दैट इज बी एंड देन सी, इट इज अलॉन्ग एक्स एक्सिस आई यूनिट वेक्टर, अलॉन्ग वाई एक्सिस जे यूनिट वेक्टर इज रिटन एंड अलॉन्ग जेड एक्सिस के यूनिट वेक्टर इज शोइंग। तो हमने कहा जी कि अब हमने ए वेक्टर जो है, अब हम चाहते हैं कि ए पोजीशन इस पॉइंट ए पर, ये पॉइंट ए है यहाँ पर, इसका पोजीशन वेक्टर जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। हमने सपोज कर लिया कि पोजीशन वेक्टर इसके लिए जो हम यूज कर रहे हो आर वन वेक्टर है, उसको हमने ये देखें ओ से लेके ए तक, ये आपका आर वन वेक्टर है पोजीशन वेक्टर, ये हमने देखें डायग्राम में चूज कर लिया जी।
यानी ओ से लेके ए तक ये जो पोजीशन वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहा है ओ ए लाइन, ये पोजीशन वेक्टर जो जो रिप्रेजेंट कर, उसको हम आर वन का नाम दे दिए। तो आपके पास क्या होगा, ओ ए जो आपका ओ ए लाइन है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द पोजीशन वेक्टर आर वन, एंड इट्स मीन दैट पोजीशन वेक्टर देखें कंपोनेंट्स विद अलॉन्ग एट आई यूनिट वेक्टर जी। तो पहला कंपोनेंट है इधर क्या था ए आई यूनिट वेक्टर, इधर क्या होगा टू आई यूनिट वेक्टर जी। देखिए हमने अपने इस पॉइंट ये देखने इस पॉइंट को लेके चलना है दैट इज टू आई यूनिट वेक्टर जी। इसी तरीके से दूसरा पॉइंट क्या है थ्री है दैट इज थ्री जे यूनिट वेक्टर जी। जैसे ऊपर पोजीशन वेक्टर का फार्मूला है इसी फार्मूले के तहत हम क्या करें इसका पोजीशन वेक्टर फॉर ए पॉइंट के लिए एरोप्लेन फॉर ए पोजीशन पे हम कर रहे हैं दैट इज टू आई, इधर क्या था ए आई, यहाँ क्या होगा टू आई होगा, फिर इधर क्या है बी जे, यहाँ पर सेकेंड पॉइंट क्या है थ्री जे यूनिट वेक्टर जी। इस तरह पास क्या है सी के, इट्स मीन दैट यहाँ क्या होगा फोर के यूनिट वेक्टर। तो सो ये हमने क्या कर लिया इस एरोप्लेन ए का पोजीशन वेक्टर आर वन फाइंड आउट कर लिया, क्लियर होगी बात जी। और फिर आगे हमने बी पॉइंट पर क्या करना है, ये आप देख रहे हैं ये रेड लाइन आप देखें ओ बी, ये ओ पहले ओ ए हमने बताया था पोजीशन वेक्टर आर वन को रिप्रेजेंट कर रही है। आप ये देखें ओ से लेकर ये देखें यहाँ आप पर ओ है और ये आप पास क्या है बी पॉइंट है, ओ से बी तक जो है ये जो लाइन है ये पोजीशन वेक्टर आर टू को रिप्रेजेंट कर रही है ओ बी, ये देखें मैं लिख लिया। इसी तरीके से आप पास क्या पहला पॉइंट क्या है डेट वॉज ए आई, यहाँ आप पास पहला पॉइंट क्या है फाइव आई जी, यह आप पास इस तरह बी आई बी जे सॉरी बी जे यूनिट वेक्टर, यहाँ आप पास क्या है सिक्स जे यूनिट वेक्टर जी, प्लस आप पास क्या है सी के यूनिट वेक्टर, यहाँ आप पास क्या है सेवन है तो यहाँ आप पास क्या है सेवन के यूनिट वेक्टर। इस तरीके से हमने क्या कर लिया दोनों एरोप्लेन के लिए उनके पोजिशन वैक्टर दैट इज आर वन वैक्टर हमने सपोज किया ओ ए वो हमने लिख लिया है, एंड इसी तरह आर टू पोजिशन वी के लिए एरोप्लेन वी के लिए लिख लिया है दैट इज ओ बी फाइव आई प्लस सिक्स जे प्लस सेवन के। इस तरीके से हमने ये यूनिट वेक्टर क्या कर लिए इनके लिए लिख लिए, क्लियर हो गए स्टूडेंट्स जी। इसमें तो डी स्टूडेंट्स आप इस डायग्राम को देखें तो हमने क्या करना है इसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है। मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करने से पहले हमें क्या करना होगा इन दो पॉइंट यानी एरोप्लेन ए और बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट है ये हमें फाइंड आउट करना होगा, यानी हमारा असल टारगेट क्या है वी हैव टू फाइंड आउट द डिस्टेंस बिटवीन ए एरोप्लेन एंड बी एरोप्लेन, क्योंकि हमने पहला काम तो कर लिया है हमने पोजीशन वेक्टर फॉर एरोप्लेन ए एंड बी उसके लिए हमने फाइंड आउट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट टारगेट जो है ए और बी जो डिस्प्लेसमेंट है यानी एरोप्लेन ए और बी के दरमियान डिस्प्लेसमेंट है जो डिस्टेंस है वो हमने फाइंड आउट करना है, वो आप पास के ए बी है। इसका मतलब आपने ए बी वैक्टर आपने क्या करना है फाइंड आउट करना है। लेकिन डिस्टेंस यहाँ आप देखें हेड टू टेल डायग्राम देखें हम अप्लाई करेंगे दैट इज ओ ए, यहाँ पास फर्स्ट वेक्टर है, यहाँ देखें इस डायग्राम देखें यहाँ हम हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे ओ ए आप पास क्या है इसमें यहाँ आप देखें डिस्टेंस ओ ए आपका क्या है फर्स्ट वेक्टर है जी। वी यूज हेड टू टेल रूल ड्रा अ वेक्टर इन सच अ वे दैट द हेड ऑफ फर्स्ट वेक्टर कोइंसाइड विद टेल ऑफ सेकंड वेक्टर जी। तो सो ओ ए जो पहला वेक्टर है आर वन वेक्टर पोजीशन वेक्टर, इसका हेड क्या कर रहा है इस जो है यहाँ पास ए बी वेक्टर के साथ क्या कर रहा है कंसाइड कर रहा है, ये आपका ए बी का सेकंड वेक्टर है जी। ये आप देखें ओ ए आर वन पोजीशन वेक्टर, ये आपका फर्स्ट वेक्टर है और ए बी आपके पास क्या सेकंड वेक्टर है, क्योंकि ए आर वन वेक्टर टेल हेड जो है वो दूसरे वेक्टर टेल के साथ कंसाइड कर रहा है और ओ बी आपके पास क्या रिजल्टेंट वेक्टर है जी। ओ बी यहाँ पर क्या है यहाँ पर ओ बी जो है इट इज अ रिजल्टेंट वेक्टर जी। तो रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है जैसा आपको पहले बताया है रिजल्टेंट वेक्टर इट इज अ वेक्टर हुज हेड कोइंसाइड विद हेड ऑफ लास्ट वेक्टर एंड टेल कोइंसाइड विद टेल ऑफ फर्स्ट वेक्टर जी। इसमें देखें आप पास ये रेड कलर लाइन है इट इज रिप्रेजेंटिंग द रिजल्टेंट वेक्टर, यानी आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या यहाँ पर आर टू क्या रिजल्टेंट वेक्टर है, इसका हेड ये आखिरी वेक्टर के हेड के साथ कोइंसाइड कर रहा है और टेल जो है पहले वेक्टर टेल के साथ यहाँ पर क्या कर रही है कोइंसाइड कर रही है, यानी आपका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा आपका ओ बी आपके पास का रिजल्टेंट वेक्टर है एंड इट इज द सम ऑफ द कंपोनेंट सम ऑफ द वेक्टर ओ ए प्लस क्या है ए बी, ये आपके पास हेड टू टेल रूल आप देखें ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू रिजल्टेंट वेक्टर क्या आपके पास ओ बी वेक्टर, क्लियर होगी बात। ये देखें आप पास इधर
हैं। यहाँ स्टेटमेंट में देखें, ओ है आपका, ये ओ एक है पहला वेक्टर एच आर वन वेक्टर, और ए भी आपके पास क्या है दूसरा वेक्टर है, ये हमने एड टू के रूल लगाया है इज इक्वल टू, ये देखें ओ भी क्या है यहाँ आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर एच, तो ये हमने कर लिया। अब क्योंकि हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करने है, डिस्प्लेसमेंट है दो एरोप्लेन दरमियान ए बी है, तो पहले डिस्प्लेसमेंट होगा फिर इसका मैग्नीट्यूड आएगा। अब हमें क्या करना होगा, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। भी थोड़ा सा रीअरेंज करना कैसे कर पड़ेगा, हमें ए बी चाहिए, देखिए हमने ए बी एक साइड पे लिख लिया, क्यों लिख लिया कि हमें ए बी डिस्प्लेसमेंट चाहिए, दो एरोप्लेन जो ए और बी पोजिशन पे है इनके दरमियान डिस्प्लेसमेंट चाहिए, इनके दरमियान डिस्टेंस का मैग्नीट्यूड चाहिए, तो फिर हमने क्या करना है ए बी इस इक्वेशन में से एक साइड पे करना है। ये हमारे पास ऊपर इक्वेशन आई हेड टू टेल रूल के तहत है, ये याद रखें जी स्टूडेंट्स, ये देखें पहला वेक्टर ओ ए और फिर आगे ए बी दूसरा वेक्टर हेड टू टेल रूल और ओ बी आपके पास रिजल्टेंट वेक्टर, ये उस ये इक्वेशन उस वजह से आई है हमारे पास हेड टू टेल रूल अप्लाई करने के बाद। और फिर अब हमने क्या कर लिया यहाँ पर अप्लाई किया और इसको रीअरेंज किया, ओ ए वेक्टर इधर आके चला आएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा जी, क्लियर होगी बात जी। और फिर हमारे पास पहले ओ बी वेक्टर है, तो ये देखें ओ बी वेक्टर का हमने पोजीशन वेक्टर वैल्यू लगा दी, दैट इज 5y प्लस 6j प्लस 7kg माइनस इसी तरह, और ओ ए की वैल्यू ये देखिए हमने लास्ट स्लाइड पे ये देखिए हमारे पास ये ओ ए की वैल्यू जो है 2y प्लस माइनस 3j प्लस 4k, यही वैल्यू सेम उठाकर हम उस इक्वेशन में लगा रहे हैं, और यहाँ आपके पास क्या है ओ बी की वैल्यू 5i और प्लस 6j प्लस 7k यूनिट वेक्टर है, यही वैल्यू उठाकर हम नेक्स्ट स्लाइड में इस इक्वेशन में यहाँ पर इंसर्ट कर रहे हैं, इंसर्ट करिए देखें 2y प्लस 3j प्लस 4k, और यहाँ देखें i वाले के साथ i माइनस होगा, याद रखें जी सेम वेक्टर आपस में प्लस माइनस होगा जी, तो 5i माइनस 2y ठीक है, ये देखिए हमने इसकी कैटेगरी बना दी 5 माइनस 2i यूनिट वेक्टर, इस तरह आप यहाँ देख रहे हैं 6 और 6j माइनस 3j जी, तो जो सेम कैटेगरी वहां हम एक साथ कर रहे हैं, इधर i वाली इकट्ठी कर दी 5y और माइनस 2y, और यहाँ अगले स्टेप में हमने 6j माइनस 3j ये दोनों हमने इकट्ठे कर दिए, एंड इसी तरह सेम लाइक दैट आपके पास क्या है ये 7k और 4k ये k यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स हमने इकट्ठी कर दी। आगे देखें इनसाइड द ब्रैकेट हमने 5 माइनस 2i यूनिट वेक्टर लगा दिया, इस तरह आपका 6 माइनस 3 और साथ j यूनिट वेक्टर लगा दिया, इस तरह आपका 7 माइनस 4 k यूनिट वेक्टर लगा दिया, बाकी सारा ऑर्डिनरी मेथड है जी, सिर्फ यहाँ हमने काम क्या किया है i यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स इकट्ठी करनी इलादा करनी है, j यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स इलादा करनी है, और k यूनिट वेक्टर वाली टर्म्स हमने क्या कर दी है इलादा कर दी है, और सिंपल तरीके से आगे हमने क्या करें प्लस माइनस कर रहे हैं, तो 5 माइनस 2 क्या आ गया 3 आ गया, साथ i यूनिट वेक्टर लिख दिया, प्लस 6 माइनस 3 क्या आ गया प्लस 3 आ गया, 3 j यूनिट वेक्टर है, और आगे 7 माइनस 4 क्या आ गया 3 k यूनिट वेक्टर जी, तो डी स्टूडेंट जी हमारे पास क्या है ए बी वेक्टर आ गया, that is a b vector is representing the displacement between the position a and b, it is representing the displacement between aeroplane a and b, to ye humne iska displacement nikala hai that is 3i unit vector plus 3j unit vector plus 3k unit vector, to ye humne do aeroplanes darmiyan kya kar liya hai displacement find out kar liya hai। ab aapka question hai sir humne displacement kyun find out kiya hai, to isliye kiya hai dear students humne kya find out karna tha डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी, यानी उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना था, तो डेफिनेटली पहले डिस्प्लेसमेंट आएगा तो फिर ही हम क्या कर लेंगे उसका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करेंगे, सो इस वजह से हमने ए बी डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, तो ए बी वेक्टर यानी डिस्प्लेसमेंट हमने फाइंड आउट करने के बाद इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली। आगे आपके पास पोजिशन वैक्टर मैग्नीच्यूड फाइंड आउट करने का तरीका क्या है, यानी कोई भी जो वैक्टर है उसका मैग्नीच्यूड आपने फाइंड आउट करना है तो क्या होगा, किसी डिस्प्लेसमेंट का वेक्टर उसका हमने मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर लेना है, तो आप एक्स कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस वाई कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस जेड कंपोनेंट का स्क्वायर और स्क्वायर रूट की, तो ये आपके पास फार्मूला है, तो इस थ्री को सॉल्व करें दोनों सारे थ्री थ्री के स्क्वायर्स हैं तो 27 बन जाता है, इसका स्क्वायर रूट ले लें आपके पास टोटल डिस्टेंस क्या आ जाएगा 5.2 किलोमीटर आ जाएगा, सो डिस्टेंस बिटवीन एरोप्लेन ए एंड बी ये आपके पास है दैट इज अ 5.2 किलोमीटर, तो ये आपका ए पॉइंट भी था एरोप्लेन, दूसरा क्या आता है बी पॉइंट भी था, एक हमने पोजीशन वेक्टर आर वन फाइंड आउट किया, पोजीशन वेक्टर उसका आर टू फाइंड आउट किया था, और अब हमने क्या किया है ए और बी जो एरोप्लेन है इनके दरमियान हमने डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट किया, फिर इनका मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किया, तो सो डिस्टेंस ये हमारा टारगेट था, ये हमारा क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल था।
जैसे हमने सवाल कर लिया है, अगर कोई भी पॉइंट हो देन दिस स्टूडेंट यू कैन आस्क क्वेश्चन।